अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बताने जाने लगा हूँ कि ये जो फ़ोन रजिस्टर्ड होते हैं यहाँ पे साइप्रस में, ये कैसे होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसकी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स मैं आप लोगों को बताने जाने लगा हूँ। मैं अभी इस टाइम जाने लगा हूँ ऑफिस की तरफ ही, यहाँ का जहाँ पे मोबाइल रजिस्टर्ड होता है उसकी मैं आपको लोकेशन वगैरह सब लिंक में बता दूंगा, अगर ना भी हो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा वैसे कि ये कहाँ पे है। वहाँ पे जाके मैं अपना फ़ोन रजिस्टर्ड करवाऊँगा, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करेंगे वो। फ़िलहाल तो मैं अपना स्टूडेंट लेटर और अपना पासपोर्ट लेके जाने लगा हूँ, बाकी देखते हैं वहाँ पे कितने पैसे लगते हैं और क्या क्या होता है, मैं आप लोगों को सारा इस वीडियो में बताता हूँ। ये है आईफोन 12 मैक्स प्रो, इसकी क्या प्राइस है रजिस्टर्ड होने की, बाकी फ़ोनों की क्या प्राइसेस है, क्या सभी की प्राइसेस सेम है रजिस्टर्ड होने की, क्या डिफरेंट है, तो बताता हूँ मैं आप लोगों को। अभी फ़िलहाल जाने लगा हूँ वहाँ पे जाके फिर देखते हैं क्या सिचुएशन है। इस टाइम बज रहे हैं 12 हो गए, मैं थोड़ा सा लेट और पता नहीं आज है भी जुमा है, जल्दी से वैसे वहाँ पे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, लेकिन 10 से 15 मिनट का वैसे काम होता है, लेकिन देखते हैं अब जाके कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो चलते हैं अब, बाकी वीडियो हम वहाँ पे जाके शूट करते हैं अपनी और बताता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या डिटेल्स हैं मोबाइल रजिस्ट्रेशन की। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि मोबाइल रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितने पैसे लगते हैं। तो चैनल को, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और चलते हैं अब उस जगह की तरफ। मैं पहुंच गया अपना मोबाइल रजिस्टर करवाने, पीछे वो देख लें रश काफ़ी लगा हुआ है, बज गए हैं 1:30 होने वाला है, 1:30 होने वाले हैं और सीन हो गया बड़ा उल्टा। सीन क्या हो गया, आ गए हैं भाई मोबाइल रजिस्टर करवाने अपना, और एक चीज़ होती है काम की, पासपोर्ट, वही माशाल्लाह भूल गए। दोस्त के नाम पे रजिस्टर्ड करवाना था क्योंकि मेरे नाम पे ऑलरेडी हुआ था मोबाइल, और जो दूसरा मोबाइल था ना उसके नाम पे करवाना था, मेरे नाम पे दोस्त का मोबाइल करवा दिया, अब दोस्त के नाम पे मेरा मोबाइल होने वाला है रजिस्टर्ड। माशाल्लाह से आके कहते हैं पासपोर्ट तो मैंने आपको दिया था, बस फिर भाग दौड़ लग गई। भाग दौड़ में अब जाके दौड़ लगा के अपना पासपोर्ट उसका लेके आया हूँ, पकड़ के लाया हूँ, अब वो देखें पीछे लाइन में लगे हुए हैं और मोबाइल रजिस्टर करवाने के लिए अंदर, देखते हैं अब क्या क्या प्रोसेस है और आप कितने मोबाइल। फ़िलहाल तो आप एक मोबाइल रजिस्टर करवा सकते हैं, इसका मुझे पता है, सेकंड का जो है वो करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते उसकी डिटेल मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताता हूँ जब मेरा मोबाइल रजिस्टर्ड होकर आता है 12 मैक्स प्रो। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि मोबाइल जो भी है, सस्ता है, महंगा है, जिस तरह का भी मोबाइल है, जो आपका पहला मोबाइल है वो आपका फ्री कह रहा हूँ, 100 TL उस पर लगेंगे सिर्फ, यानी कि सभी मोबाइल की प्राइसेस सेम है रजिस्टर्ड होने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको फिर बताता जाऊँ, फ़िलहाल उन्होंने कहा था हमें गेट पे कि सिर्फ पासपोर्ट और स्टूडेंट लेटर की ज़रूरत होती है, फ़िलहाल ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, स्टूडेंट लेटर, अगेन बता दूँ स्टूडेंट लेटर और पासपोर्ट। पेमेंट जो है अगेन बता दूँ 100 TL चार्ज कर रहे हैं, ये 100 TL चार्ज करते हैं न्यू मोबाइल का, यानी कि फर्स्ट जो आपका पहला मोबाइल होगा उसके, एक साल में, दो साल में आप एक मोबाइल रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, मोबाइल जितना मर्जी महंगा हो, आईफोन हो, नोकिया हो, 3310 से लेके, इन शॉर्ट 3310 से लेके 13 मैक्स प्रो तक आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, उसकी प्राइस 100 TL है पहले मोबाइल की। उसके बाद जब आप करवाएंगे उसकी प्राइस नहीं मुझे पता, मैंने उनसे पूछा था लेकिन उन्होंने बताई नहीं, तरीके से कुछ समझ नहीं आई। खैर मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मोबाइल जो बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर रजिस्टर करवाना, क्योंकि आपने इंटरनेट भी ऑफकोर्स चलाना होता है, कॉल्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट्स करनी होती हैं, ये तो नहीं होता कि आप सिर्फ वाईफाई से ही मोबाइल कनेक्ट करके तो आप यूज़ कर सकें, तो हर चीज़ के लिए आप लोगों को देख के देखना चाहिए। अब मेरा मोबाइल रजिस्टर्ड हो के आएगा, आपको ये फॉर्म देते हैं, फॉर्म आपने फिल करना होता है,
उसमें आपने मोबाइल का IMEI नंबर और ईट एंड एवरीथिंग सारी डिटेल उसके अंदर मेंशन करनी होती हैं। मेंशन करने के बाद आप लोगों ने फॉर्म अंदर जमा करवाना होता है। बना रहा हूँ मोबाइल, वो अपने A50 सैमसंग A50 से बना रहा हूँ। इसने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया, ये यहीं का रजिस्टर्ड है और इसकी मैं आप लोगों को कीमत बताता जाऊँ। ये मैंने लिया था 1900 TL का, 1900 TL का मैंने लिया था, एक लड़के से लिया था, उसने तकरीबन महीना डेढ़ यूज़ किया था, इसलिए 1900 TL का लिया था। तब उसकी न्यू की प्राइस थी 2700 TL। मनी कन्वर्सेशन करके देख लें पाकिस्तान की में या अपनी कंट्री के मुताबिक कितनी ये करेंसी बन रही है। और अब मेरा वो मोबाइल आ जाएगा रजिस्टर्ड हो गया, मैं अपनी ये सिम उसमें डालूंगा और फिर आईफोन 12 मैक्स प्रो चलाएंगे और प्रो हो जाएंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस HD वीडियोस बनाएंगे। इसकी आपको लोकेशन बताता जाऊँ, ये लोकेशन है, अगर आप डेरा बॉय वाली साइड से आएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को NFC नज़र आएगा। अगर आप गिनने कापसी वाली या सिटी सेंटर वाली साइड से आ रहे हैं तो आपको इस साइड पे राइट साइड पे आपको NFC नज़र आएगा। NFC के साथ ही बिल्कुल गली है, गली के आपने अंदर एंटर होना है, एंटर होते ही आपको ये राइट साइड पे आप लोगों के राइट साइड पे नज़र आ जाएगा। हाँ, QBTHK मोबाइल जिहाज के इशली मेरी बिरमी। देखिए जूम तो इसका शायद इतना अच्छा ना हो क्योंकि सैमसंग है ना, सैमसंग A50, तो इसलिए तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को शायद लोकेशन की भी समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई समझ तो आप डेरा बॉय के पे NFC डालेंगे, NFC रेस्टोरेंट, तो उस रेस्टोरेंट से आके आप लोगों ने राइट में उसके साथ ही राइट में पहला टर्न लेंगे तो ये साथ ही गली आपको नज़र आ जाएगी। और एक और आपको बताता जाऊँ, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा भी है यहाँ पर, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के साथ गली है ये, बिल्कुल उसके साथ वाली लोकेशन है। अब दो आप लोगों को मैंने चीज़ें बता दी हैं, राइट साइड पर NFC होगा, लेफ्ट साइड पर डोमिनोज़ पिज़्ज़ा होगा, उसके सेंटर में जो स्ट्रीट है उस स्ट्रीट पे आना है तो साथ ही आपको ये नज़र आ जाएगा। अब मैं वेट कर रहा हूँ इस टाइम दोस्त का, कब वो आएगा मेरा 12 मैक्स प्रो लेके और मैं हो जाऊँगा आवारी। आपको दो चीज़ों का रिव्यू करवाता जाता हूँ। सबसे पहले तो ये मेरा कार्ड है, ATM कार्ड, और ये उसकी रिसीप्ट है, कितनी पेमेंट हुई है इसकी सारी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। फ़िलहाल ये देखें, इस तरह का ये रजिस्ट्रेशन फार्म होता है, बड़ी मुश्किल से मैं अंदर से लेके आया हूँ स्पेशल आप लोगों को दिखाने के लिए, रिक्वेस्ट करके उनसे। इस पर सारी डिटेल्स होती हैं। इस टाइम मेरी हाथ की ये रखें, पर्सनल यूज़ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, वन नेम, ID, पासवर्ड, नेम, फ़ोन नंबर, इक्विपमेंट, IMEI नंबर 2 और ये ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें होती हैं। अब इस ये हमने फिल करके उन्हें देना है, ये अंदर ही देते हैं, वो आपको बाहर नहीं आने देते, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से बाहर लेके आया हूँ। तो अब एक और चीज़ आप लोगों को बताता जाऊँ कि जो पेमेंट है ना वो दो तरीके से होनी है। अभी मैंने अंदर से कंफर्म किया, थोड़े से रूल्स चेंज हुए हैं इनके। पहली जो पेमेंट होगी वो होगी 26.60 TL, यानी कि इन शॉर्ट आप 26 TL कह लें या 27 TL कह लें, ये उसकी रिसीप्ट है। मैं अभी 27 TL पे करके हूँ इन शॉर्ट अपने कार्ड से, 27 TL आपने कार्ड से भी पे करने हैं और जो बाकी 100 TL है वो आपने कैश पे करना है। और बाकी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है वो भी मैं आपको ऐसा ऐसा बताता जाता हूँ। इस टाइम जो दोस्त से पूछता जा रहा हूँ मैं साथ साथ, क्या क्या इंफॉर्मेशन अंदर वो ले रहे हैं, क्या क्या नहीं, तो उसके साथ साथ। तो फाइनली मोबाइल हो गया मेरा रजिस्टर्ड, मोबाइल रजिस्टर्ड की सारी स्टोरी आप लोगों को मैंने बता दी है कि इतने का रजिस्टर्ड होना है, ये होना है, वो होना है, ईच एंड एवरीथिंग सारी मैंने आप लोगों को बता दी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कितने का रजिस्टर्ड होना है। हाँ, लास्ट में जो था 100 TL हमने उन्हें एक्स्ट्रा दिए, जो कि कैश में हमने पे करना था, वो कैश में पे करने के बाद मोबाइल हो गया रजिस्टर्ड। अब हमने क्या करना है, शाम को एक दफ़ा रीस्टार्ट करना है अपना मोबाइल और मोबाइल रजिस्टर्ड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। तो विकाल भाई को ढेर सारी तो हम याद रखिएगा, नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।